What's up everyone? Welcome back to the channel. और ये वीडियो देख के आप लोग बहुत सरप्राइज्ड हो जाओगे, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th का लिटरेचर. जो जो प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स को आएगी उसका सॉल्यूशन लेके मैं हाजिर हो जाऊँगा भैया, मेरा तो यही जीवन का लक्ष्य है. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. बहुत ही शानदार चैप्टर एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ के. और एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप इसके अंदर खुशवंत सिंह जी ने बताया है अपनी दादी के साथ, और ग्रैंड पेरेंट्स का तो यार रिश्ता ही ऐसा होता है. तो आइए जल्दी से स्टोरी को शुरू करते हैं और अपनी चीज़ें अच्छे से समझते हैं और इंग्लिश को भी ऐसे ही बनाते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. चलो यार शुरू करते हैं शानदार स्टोरी को जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बेसिकली क्या है, यहाँ पे खुशवंत सिंह जी जब एक छोटा बच्चा होते हैं तो वो अपनी दादी के बारे में अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में चीज़ें बता रहे हैं. और आप लोग इसको फील करोगे ना, क्योंकि आप डेली देखते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कि किस तरीके से आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है, हाउ योर ग्रैंड पेरेंट्स पूरा दिन आपके लिए सोचते रहते हैं कि कैसे कर रहे हैं हमारे बच्चे, क्या कर रहे हैं. तो बहुत ही शानदार स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है. तो देखो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. चैप्टर स्केच है क्या यहाँ पे, दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, देखो लिखा हुआ है ऑटो बायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह. और इस स्टोरी में जो ऑथर हैं यानी कि जो खुशवंत सिंह जी हैं, उन्होंने अपना रिलेशनशिप बताया है किसके साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ. ठीक है, इन द स्टोरी ऑथर ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर. ही ब्यूटिफुली अनफोल्ड्स देयर रिलेशनशिप. अपना रिलेशनशिप बताया कि किस तरीके से उसकी दादी एक छोटे बच्चे के लिए किस तरीके से उनको स्कूल छोड़ के आना, उसके बाद आके बात करना, चीज़ें डिस्कस करना, देन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर वो कॉलेज वगैरह के लिए निकल जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं. तो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप ध्यान से समझोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. ही ब्यूटिफुली अनफोल्ड्स देयर रिलेशनशिप एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस, सारे बदलाव. इन अदर वर्ड्स स्टोरी इज अ लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम अ ग्रैंड सन टू हिज ग्रैंड मदर. एक ग्रैंड सन का ट्रिब्यूट है अपनी ग्रैंड मदर की तरफ. स्टोरी गिव्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. इट इज अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. किस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स अपना सब कुछ देते हैं अपने बच्चों के लिए और सब कुछ डेडिकेट कर देते हैं. अब इसके अंदर कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, दो ही कैरेक्टर्स हैं, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह. ठीक है, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड एज एक्सट्रीमली रिलीजियस, काफ़ी रिलीजियस पर्सन के तौर पे उन्होंने अपनी दादी को पेश किया है. शी वॉज अ वेरी काइंड लेडी, बहुत काइंड लेडी दिखाई गई हैं. शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट. अब जैसे आप लोग यूजुअली देखते ही हो ग्रैंड पेरेंट्स को, वो यूजुअली कमर पे हाथ रख के थोड़ा बेंड होके चलते हैं, तो एज के साथ वो फैक्टर्स आते हैं, वो सब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है. हर फेस वॉज रिंकल्ड फेस एंड शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स. अब बुजुर्ग लोग हमारे घर में जैसे वाइट क्लोथ ज़्यादा फेवर करते हैं तो वो चीज़ दिखाई गई है. इन द विलेज शू टुक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ऑथर. विलेज में उन्होंने ऑथर का किस तरीके से ध्यान रखा, खुशवंत सिंह अब ये ऑथर हैं हमारे, जब वो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने अपना पूरा रिलेशनशिप डिस्क्राइब करा है. द ऑथर ही रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड डेज एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर. आइए शुरू करते हैं अब स्टोरी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं. देखो बहुत ही शानदार कैसे स्टार्ट हो रहा है चैप्टर. सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंटर है, मैंने पॉइंटर्स में डाला है इसको सो दैट आप अच्छे से कर पाओ. द ऑथर रिमेंबर्स हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. ऑथर क्या कर रहे हैं, जो खुशवंत सिंह जी हैं वो रिमेंबर करते हैं कि यार मैंने अपनी दादी को देखा है और उसके साथ साथ मैंने ग्रैंड फादर को एक पिक्चर में देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है और मैंने दादी को भी बुजुर्ग ही देखा है. मतलब वो बोलते हैं कि मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो कभी यंग भी होंगी. उन्होंने मेनली अपनी दादी को किस तरीके से देखा है, एक काफ़ी बुजुर्ग, एक ऐसी लेडी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिंकल्ड फेस, अभी आपको मैंने पीछे बताया, वाइट क्लोथ्स पहन रही हैं, बैंड होके चल रही हैं, बहुत ओल्ड है. तो देखो क्या है यहाँ पे, द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी. For the 20 years that the author had known his grandmother, he had found her old and wrinkled. वो जब से अपनी दादी को जानते हैं पिछले 20 सालों से उन्होंने अपनी दादी को ऐसे ही देखा है, ओल्ड और रिंकल्ड, कभी भी उनमें चेंज नहीं देखा कोई भी. It was hard for him to believe that she had once been young and pretty. वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो कभी यंग रही होंगी और प्रेटी रही होंगी. एज शी हैड अ हस्बैंड, उनके एक हस्बैंड भी होंगे. द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल. दीवार पे उनके ग्रैंड फादर का भी एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है. ऑफ द ड्रॉइंग रूम
ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी टर्बन पहनी है. हिज क्लोथ्स वर लूज, काफी ढीले ढाले कपड़े पहने हैं. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल के लगते हैं. लुकिंग एट द पोर्ट्रेट वन कुड नॉट इमेजिन हिम इन हिज यूथ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि किस तरीके से वो यंग एज में रहे होंगे अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ. तो दिस वॉज अबाउट द ग्रैंड फादर थिंग. अब ग्रैंड मदर के बारे में अगर हम बात करें, इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया, तो वही बताया कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को घर में इधर उधर चलते देखा है. उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को हमेशा ओल्ड ही देखा है, जिसमें वो किसी तरीके से वाइट कपड़े पहन के अपनी कमर पे हाथ रख के बेंड होके चल रही हैं. काफ़ी रिंकल्ड उनका फेस है और वो अल्टीमेटली सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेती रहती हैं. उनके हाथ में एक माला है और वो माला जपती रहती हैं हर टाइम. वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी और वो हमेशा ध्यान रख रही हैं अपने छोटे ग्रैंड सन का. ठीक है, तो क्या है, देखो, द थॉट ऑफ द ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना. उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता, मुझे यकीन ही नहीं होता कि कभी उनकी ग्रैंड मदर यंग भी रही होंगी. उसके लिए थॉट ही नहीं आ रहा दूर दूर तक कहीं भी. टू हिम शी वॉज शॉर्ट, वो शॉर्ट है, फैट है एंड स्लाइटली बेंट है. ये मैंने आपको बता दिया उनके स्ट्रक्चर के बारे में. फेस के बारे में आ रहा है, फेस याद रखना रिंकल्ड है ना. हिज हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. हर सिल्वरी वाइट हेयर, उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं, स्कैटर्ड हैं पूरे उनके फेस पे, फैले हुए हैं हर तरफ. द ऑथर रिमेंबर्ड हर मूविंग अराउंड इन द हाउस. वो घर में मूव कर रही हैं विद वाइट क्लोथ्स विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. ठीक हो गया. अदर काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब वो माला जप रही हैं. राइट, हर लिप्स मूव्ड कॉन्स्टेंटली इन एन इनऑडिबल प्रेयर. वो ऊपर वाले का नाम ले रही हैं हर टाइम. टू द ऑथर शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी. ऑथर को कभी इमेजिनेशन में नहीं है कि वो कितनी प्रेटी रही होंगी, बट एक उनकी इंटरनल ब्यूटी हमेशा से उनको डिस्क्राइब कर रही हैं. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं. तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑथर्स चाइल्डहुड विद ग्रैंड मदर. अब जो हमारे ऑथर हैं वो अपना चाइल्डहुड के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से उनका बचपन रहा अपनी ग्रैंड मदर के साथ. तो उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी केयरिंग रही हैं. उनके जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर के पास विलेज में छोड़ा और उनकी ग्रैंड मदर ने ही उनका पूरा ध्यान रखा. सुबह उठाना, स्कूल के लिए रेडी करना, उनकी स्लेट रेडी करना. अब पहले इतने सारे कॉपी पेन तो नहीं होते थे, तो स्लेट बोर्ड होता था उस पर लिखते थे. उसके साथ साथ वो स्कूल तक उनको छोड़ के आती थी, क्योंकि स्कूल से जस्ट बराबर में एक मंदिर होता था, तो ग्रैंड मदर वहाँ बैठ के मंदिर में अपनी प्रेयर्स वगैरह करती थी. और जो हमारे ऑथर हैं दैट इज़ खुशवंत सिंह जी, वो अपना स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे और स्कूल के अंदर फिर वो नए नए अल्फाबेट्स और नए नए म्यूज़िक वो सब सीखते हैं. वो हम आगे फर्दर स्टोरी में देखेंगे, बट फिलहाल जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के बारे में यही सारी चीज़ें हैं. उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट में वो चपाती जिसके ऊपर बटर और शुगर लगा होता था वो सब लेके जाते थे. तो एक जनरल जिस तरीके से हर बच्चे का चाइल्डहुड होता है, उसी तरीके से इनका चाइल्डहुड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर रहा है. क्या है, देखो, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स. अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू स्टे विद हर व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी. इन द विलेज ग्रैंड मदर टुक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स. उस बच्चे की नीड्स का सारा ध्यान ग्रैंड मदर ने रखा. शी वॉज क्वाइट एक्टिव, काफ़ी एक्टिव रही थी, एजाइल रही थी. एजाइल मतलब मूव करती थी अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से. शी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठाना, स्कूल के लिए रेडी करना, फिर उसकी वुडन स्लेट रेडी करना. स्लेट मतलब जिसपे वो लिखते थे सब कुछ, है ना. शी हैज़ ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येल्लो चॉक. शी वुड टेक एन अर्दन इंक पॉट एंड रेड पेन, टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू द ऑथर. ऑथर को पूरा प्रॉपर इंक पॉट पेन देना और बंडल में बांध के उसको दे देना. आफ्टर हैविंग अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इट फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में उसको एक चपाती जिसके ऊपर बटर और शुगर लगा होता था, दे यूज टू लीव फॉर स्कूल. फिर वो स्कूल जाते थे, उनकी ग्रैंड मदर उसको अकंपनी करती थी स्कूल तक, क्योंकि वहीं बराबर में मंदिर था. ये मैंने आपको चीज़ें बता दी. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑथर एट स्कूल. ऑथर स्कूल में क्या कर रहे थे, द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर. अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सीखा. चिल्ड्रन सैट इन टू रोज इन द वेरांडा, याद रखना दो रोज में बच्चे बैठते थे. एंड दे वुड सिंग द अल्फाबेट्स और प्रेयर इन अ कॉरस. प्रॉपर मैनर में वो लोग अल्फाबेट्स और प्रेयर को गाते थे. फर्दर वाइल द ऑथर लर्न्ड हिज लेसन्स, जब तक बच्चा लेसन सीखता था ग्रैंड मदर क्या करती थी, सोचो, वीडियो पॉज करो. ग्रैंड मदर क्या करती थी, ग्रैंड मदर मंदिर में बैठ के अपनी प्रेयर्स करती थी, है ना. आगे लिखा है, द ग्रैंड मदर वुड रीड स्क्रिप्चर्स इन द एडजॉइनिंग टेम्पल. ऑन देयर वे बैक दे वुड फीड स्टेल चपाती टू द डॉग्स. वापस आते हुए वो डॉग्स को फीड करते थे. ये भी एक ग्रैंड मदर की क्वालिटी दिखाई है.
कि वो हमेशा से एनिमल के टवर्ड्स काफ़ी इंक्लाइंड रही हैं, और वो डॉग को खाना डालना, चिड़िया को खाना डालना, ये हम अभी फर्दर स्टोरी में जानने वाले हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है, इसके बाद चीज़ें बदलेंगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है चीज़ें चेंज होती हैं। तो क्या है हमारे पास, द टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। क्या टर्निंग पॉइंट होगा? टर्निंग पॉइंट ये होने वाला है कि जो हमारा बच्चा है और उसकी जो ग्रैंड मदर है, वो अब अपने पेरेंट्स के पास सिटी में शिफ्ट होते हैं। वहाँ से बच्चे का नया स्कूल होता है, नए स्कूल में वो एक इंग्लिश स्कूल में जाता है, वहाँ पे अब जाके वो नई नई चीज़ें सीखता है, वहाँ पे जाके वो इंग्लिश लेसन्स लेता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में। अब उन चीज़ों को लेके ग्रैंड मदर को कोई बेसिक नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता। उसके साथ साथ वो उस बच्चे को अब स्कूल नहीं छोड़ के आ सकती, क्योंकि अब वो बच्चा बस से जाता है, रास्ते में कोई डॉग्स नहीं है। तो अब ग्रैंड मदर ने कहा कि यार अब मैं स्पैरोज को फीड करूंगी, बर्ड्स को फीड करूंगी, तो उन्होंने वो चालू कर दिया। उसके साथ साथ अल्टीमेटली अब एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है बिटवीन द ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड मदर। बच्चा बड़ा हो रहा है, अब वो अपनी चीज़ों में बिजी होता जा रहा है, अब ग्रैंड मदर थोड़ा सा उससे दूर होती जा रही है। वो उसको लेके काफ़ी डिप्रेस्ड भी हैं। वो क्यों डिप्रेस्ड हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार बच्चे को अब भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, अब वो और आगे बढ़ता जा रहा है अपनी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें भी हमारे पास इसमें स्टोरी में देखने को मिलेंगी। क्या है, टर्निंग पॉइंट केम इन द रिलेशनशिप व्हेन दे मूव्ड इनटू द सिटी टू स्टे विद द ऑथर्स पेरेंट्स। द ऑथर वेंट टू इंग्लिश स्कूल, अब वो बस में जाता था, ग्रैंड मदर कुडंट अकंपनी हिम, ग्रैंड मदर उसको अकंपनी नहीं कर सकती थी, एज देर वर नो डॉग्स, डॉग्स नहीं थे, तो उन्होंने फिर स्पैरोज को फीड करना चालू करा। एज द ईयर्स रोल्ड बाय दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, धीरे धीरे एक दूसरे को कम समय दे पाते थे वो, इन स्पाइट ऑफ अर इमेंस इंटरेस्ट इन स्टडीज। स्टडीज में उनका बहुत इंटरेस्ट था, बट क्योंकि वो इंग्लिश लर्न कर रहा था, उसके साथ साथ लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बहुत सारी चीज़ें जो ग्रैंड मदर को पता ही नहीं था, तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी कि मैं अब अपने बच्चे की मदद ही नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब। ग्रैंड मदर डिस्टर्ब हो, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन फेस करने लगी। क्या कारण, मैंने आपको बताया अभी, क्या है, ग्रैंड मदर डिडंट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस टू लर्न दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, स्क्रिप्चर्स के बारे में, गॉड के बारे में नहीं बताया जा रहा स्कूल में। मोर ओवर शी वॉज वेरी डिस्टर्ब एट द आइडिया ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक लेसन उसको स्कूल में मिल रहे थे उसको लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी कि यार बच्चे को किस तरीके से चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अभी यहाँ लिखा था ना कि कई बार वो पूछती भी थी कि टीचर में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो ये सब चीज़ें को लेके भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। टू हर म्यूजिक एंड यूड एसोसिएशंस एंड शी कंसिडर्ड म्यूजिक टू बी अनसुटेबल, वो उस म्यूजिक को अनसुटेबल कंसिडर कर रही थी और ये सब चीज़ें उनको काफ़ी परेशान कर रही थी, निराश कर रही थी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अब हमारी स्टोरी एक नए तरफ, एक नए मोड की तरफ जा रही है, जहाँ पे क्या होने वाला है, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट स्नैप्ड। अब क्या हो रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा पढ़ने के लिए, उसको एक सेपरेट रूम चाहिए, सेपरेट स्पेस चाहिए, जो दादी है वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। उन्होंने सबसे बात करना छोड़ दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है यार बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है तो अब वो पढ़ाई करे, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। वो इवनिंग में ही बस बाहर निकलती थी, स्पैरोज को फीड करती थी और बस अपना ऊपर वाले का, भगवान का नाम लेके चलती थी, बस उनकी लाइफ में अब और ऐसा कुछ नहीं था। स्पैरोज फीडिंग करती थी शाम को, तो वो स्पैरोज कभी उनके शोल्डर पे आके बैठती थी, इवन कभी कभी उनके सिर पे भी आके बैठती थी, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि उन्हें उड़ाया या कभी ऐसी चीज़ करी। वो बस अपने ही, एक तरीके से बोलते हैं ना कि बस वो उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन में आ चुकी थी जहाँ पे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था किसी चीज़ से, वो बस ऊपर वाले का नाम लेने में बिजी थी और बस इसी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। तो क्या है यहाँ पे, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर ब्रॉक व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। अलग रूम मिल गया उसको। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रेयरली स्पोक टू एनीवन, सबसे बात करना छोड़ दिया। ऑल डे लॉन्ग शी सैट स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, पूरे दिन बस वो अपनी प्रेयर्स ही करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, शाम के टाइम पे आफ्टरनून में वो आती थी, स्पैरोज को फीड करती थी। दे पर्स्ड ऑन हर शोल्डर एंड सम इवन ऑन हर हेड, बट शी नेवर शूड देम अवे, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा टाइम ग्रैंड मदर के लिए द हैप्पीएस्ट होता था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वो बेस्ट कंसिडर करती थी। इसके बाद द ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज़, ऑथर अब 5 साल के लिए अपनी हायर स्टडीज़ पर जा रहा है। अब ऑथर तो बहुत ही दूर हो जाएगा अपनी दादी से, ऑथर को ऐसा लगता है कि बस दिस इज़ द लास्ट टाइम जब वो अपनी दादी से मिल रहा है, शायद वो अपनी दादी से कभी ना मिल पाए, बट दादी ने वहाँ पे कोई इमोशन शो नहीं करे। जो ग्रैंड मदर हैं वो ऑथर को स्टेशन पे छोड़ने के लिए आती हैं अपने छोटे
बच्चे को छोड़ने के लिए आती हैं स्टेशन पे और अपनी प्रेयर्स करती रहती हैं और बहुत ज़्यादा इमोशन वो शो नहीं करती हैं. तो क्या हो रहा है, द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज फॉर 5 years. ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. उन्होंने कोई इमोशन शो नहीं करे, ठीक है. शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ. शी शोड नो इमोशंस. शी वॉज एब्जॉर्ब इन प्रेइंग एंड काउंटिंग द बीट्स. वो अपनी बस माला ही जप रही थी. साइलेंटली शी किस्ड हिज फॉरहेड. उसके फॉरहेड पर उन्होंने किस दी. एंड द ऑथर थॉट दैट परहैप्स इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम. ऑथर को लगा दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट साइन और उसके बाद पता नहीं वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे. बट चीजें कुछ और तरीके से हुई. अब क्या हुआ है, ग्रैंड मदर सेलिब्रेट्स द ऑथर्स रिटर्न एंड फॉल्स सिक. अब क्या होता है, ऑथर 5 साल बाद वापस आता है अपनी स्टडीज कंप्लीट करके. ग्रैंड मदर उसको वापस से स्टेशन पे ही मिलती हैं. मतलब दैट वाज रियली एक ऐसी चीज़ जो ऑथर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट उसकी लाइफ में ऐसा हुआ. तो क्या है देखो, आफ्टर 5 years द ऑथर फाउंड हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन व्हेन ही रिटर्न. शी हेल्ड हिम इन हर आर्म्स. उन्होंने उसको पकड़ा अच्छे से, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें इतना प्यार करते हैं वही चीज़. ही फाउंड हर मोर रिलीजियस. लेकिन अब उसको लगा कि उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो चुकी हैं एंड मोर सेल्फ कंटेन्ड. वो बस अपनी प्रेयर्स ही करती रहती हैं, उनको किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है. शी वॉज वेरी मच रिलीजियस एंड मोर सेल्फ कंटेन्ड. ही कुड हेयर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स इवन दैट डे. द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर वॉज फीडिंग द स्पैरोज. अब उनके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या हो चुका है, बस स्पैरो फीडिंग. उनकी लाइफ में बस वही सबसे हैप्पी इवनिंग होती है, हैप्पी आफ्टरनून होता है, सब वही है. आगे क्या है, However, something strange happened to her in the evening. Ultimately, उस दिन उस शाम को एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई जो किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा. क्योंकि अभी तक स्टोरी लाइन क्या चल रहा है कि ग्रैंड मदर के लिए बस प्रेयर्स ही सब कुछ है, स्पैरो फीडिंग ही सब कुछ है. बट उस शाम को दादी ने अपनी प्रेयर्स नहीं करी. वेरी स्ट्रेंज. क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिडंट प्रे. Instead, she collected the women of the neighborhood, got an old drum and started singing songs of the homecoming of warriors. Ultimately, उन्होंने अपने आस पड़ोस की जितनी ladies थी उनको collect करा, एक पुराना drum लिया और वहाँ पर celebration करा. वहाँ पर एक तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे songs गाने शुरू करे. किस चीज़ के songs, याद रखना, songs of homecoming of the warriors. They tried to persuade her to stop to avoid overstraining herself, but she couldn't listen. सब ने उनको रोकने की कोशिश करी कि आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अपनी एनर्जी मत लगाओ, आप बीमार हो जाओगे. बट वो नहीं सुनी उन्होंने किसी की भी. अगले ही दिन वो बीमार हो जाती हैं. द नेक्स्ट डे शी फेल इल. उसके बाद ग्रैंड मदर की लास्ट मोमेंट्स, लास्ट टाइम चल रहा होता है. ग्रैंड मदर वॉज डायग्नोज विद माइल्ड फीवर बाय द डॉक्टर. डॉक्टर थोड़ा सा फीवर बताते हैं बट उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज़ माई लास्ट टाइम. दादी उस चीज़ को समझ चुकी थी कि बस मेरा आप लोग के साथ इतना ही रहना था, इतना ही रिश्ता था. दिस इज़ माई लास्ट टाइम. शी इंसिस्टेड दैट हर एंड वॉज नियर. शी टोल्ड everyone that she didn't want to talk to anyone. उन्होंने किसी से भी बात नहीं करना पसंद करी. उन्होंने बोला दिस इज़ माई लास्ट टाइम, बस मुझे सिर्फ प्रेयर्स करनी है. उन्होंने सबसे बात करनी बंद कर दी उस टाइम पे और सिर्फ वो अपनी उसी प्रेयर्स में बिजी रही. ऊपर वाले का नाम लेने में उन्होंने अपने लास्ट मोमेंट स्पेंड करे. एंड वुड रेदर स्पेंड हर लास्ट मोमेंट्स प्रेइंग. शी इग्नोर्ड everyone's protest एंड स्टार्टेड काउंटिंग द बीड्स इन अ रोजरी वाइल praying. After a short while, author noticed, कुछ ही समय के बाद जो author है उन्होंने note करा that his grandmother's lips stopped moving. जो grandmother हैं उनके lips चलना बंद हो गए हैं, वो कुछ नहीं बोल रही हैं और उनके हाथ से जो माला है वो भी छूट के नीचे गिर जाती है. क्या लिखा है, stop moving and the rosary fell from her lifeless fingers. She died a peaceful death. She was covered with a red shawl. उन्हें एक peaceful death मिलती है. अब उनको एक रेड शोल से, जो एक उनका पारंपरिक तरीका होता है, उससे कवर करके वो लोग प्रे करते हैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए. और इसी तरीके से यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताई गई है. अब एक लास्ट चीज़ जो आपको देखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्पैरोज ने उन्हें एक लास्ट फेयरवेल दिया, किस तरीके से उनको एक अच्छा फेयरवेल एनिमल्स की तरफ से भी मिला. जो एक स्टोरी लाइन में ये भी शो करता है कि जो इमोशंस आप एनिमल्स को दिखाते हो, एनिमल्स भी आपके इमोशंस को फील करते हैं और वो भी उसी तरीके से रिटर्न बैक करते हैं. तो क्या है इसके अंदर, द स्पैरोज मॉर्न हर डेथ.
When the author and other came to take away the grandmother's body, जब वो grandmother की body को लेके जा रहे थे तो उनको एक काफ़ी strange sight दिखाई दिया. क्या दिखाई दिया? कि बहुत सारे sparrows उनके घर के आसपास इकट्ठे हो गए. A lot of sparrows had surrounded her body. They were all silent. लेकिन वो बिल्कुल silent थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे. उनकी author की mother को लगा शायद ये अपना खाना लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने उनको खाना दिया, but किसी ने कुछ नहीं खाया. क्या है? When the author's mother offered the sparrows some bread, they refused to eat and quietly flew away after the grandmother's body was carried away for the last rites. वो चले गए. और इसी के साथ यहाँ पे हमारी स्टोरी लाइन समाप्त होती है. This was all about the relationship of a grandson and a grandmother. किस तरीके से रिश्ता चलता है, किस तरीके से अलग अलग फेसेस आते हैं, और कितना एक फीलिंग है ना कि हम लोग को लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ साथ बड़े हो रहे हैं. तो उनको भी उतना ही इक्वल अटेंशन, उतना लव, उतना केयर चाहिए जो हमें मिला है, राइट? तो ये तो एक स्टोरी लाइन था जिससे आप भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि हाउ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर विद यू, और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, और वो किस तरीके से चीज़ें फील करते हैं. बट ठीक है, लाइफ इज़ लाइक दिस ओनली, ऐसे ही चलेगी. तो बहुत ही अच्छी शानदार स्टोरी है. आई वुड लाइक कि आप लोग यहाँ से अब एक बार इस स्टोरी को अपनी बुक से एक बार छोटी छोटी रीडिंग लगा लो, एक एक लाइन देख लो. उसके बाद मैं आपको कुछ लाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसके आंसर भी मैंने लिखे हैं. पहले स्टोरी आपने समझ ली, अब आप अपनी बुक से रीडिंग करना. उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस जिनको मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लो और ये आपको एक बार रीड करने हैं. नहीं आएंगे तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, फिर हम इनको कवर करेंगे. लो सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इन एक्सप्रेशंस को नोट करो जल्दी से, फटाफट से, डन. उसके बाद ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये आपको एक बार रीड करने हैं. उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? इतना करने के बाद आपका चैप्टर समाप्त. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा. अगली वीडियो में मिलते हैं किसी पोएम के साथ, पोएम के साथ स्टार्ट करते हैं. और फिर इसे फटाफट से मुझे ये भी बताना कि आपके हाफ एडलीज में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, सो दैट हम उसको कवर कर पाएँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.